नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजा शंकर पांडे और अपने YouTube चैनल हेल्दी किडनी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, उस वीडियो में आपको मैं टेक लेवल के बारे में बताऊंगा। टेक लेवल टेस्ट क्यों होता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद और ये क्यों करवाया जाता है। अधिकतर हमने सुना है कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंटों के कि वो टेक लेवल टेस्ट करवाना है। बार बार ये सब सुनता है कि डॉक्टर लिख देता है टेक लेवल टेस्ट करवाना है, डॉक्टर कहते हैं टेक लेवल टेस्ट करवाओ। तो टेक लेवल आखिर क्यों होता है, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कितना टेक लेवल हमारा रहना चाहिए, और ये डिपेंड करता है डॉक्टर नेफ्रो के ऊपर कि वो हमारे किस लेवल पे कितनी डोज चेंज करते हैं। क्योंकि टेक लेवल के ही माध्यम से हमारे शरीर में पता चलता है कि जो हम दवाई खा रहे हैं, ट्रैक्लोलीमियस हर किडनी ट्रांसपेशेंट को पता होगा कि इस दवाई के बारे में, और इस दवाई के बारे में हर पेशेंट जानता है क्योंकि हर पेशेंट की दवाई लाइफ टाइम चलने वाली है और किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट की दवाई चलती है। डोज सबकी अलग अलग होती है, कोई 0.5 mg किसी की डोज होती है, किसी की 1 mg, किसी की 2 mg, किसी की 3 mg। ये इस डोज का ही पता चलता है टेक लेवल पे कि वो दवाई जो हम खा रहे हैं कि हमारे शरीर में कितना काम कर रही है। अगर वो काम कम कर रही है, ज़्यादा कर रही है, तो वो रिपोर्ट टेक लेवल में आता है। और किडनी ट्रांसप्लांट के कुछ महीने के बाद उस टेक लेवल की जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा अलग ही होती है। तो उसका एक रेंज है, वो रेंज भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रांसप्लांट के 6 महीने तक कितना टेक लेवल रहना चाहिए, 6 महीने के बाद कितना, और 1 साल के बाद कितना, 4 साल के बाद कितना, कितनी रेंज रहनी चाहिए ये टेक लेवल की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता सकता हूँ कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। 14 जनवरी 2019 को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था BLK हॉस्पिटल में। डॉक्टर थे हमारे बहुत मशहूर डॉक्टर, सब आप लोग जानते हो, डॉक्टर सुनील प्रकाश, जिन्होंने मुझे एक जीवन दान दिया था और जो मैं जिनका आजीवन आभारी हूँ। और अपने फादर इन लॉ का भी मैं थैंक यू करता हूँ, जिन्होंने मुझे किडनी दी थी, जिसकी वजह से मैं एकदम स्वस्थ हूँ और आज आप लोगों के बीच में हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, एक चीज़ और जो मेरे वीडियो में लास्ट वीडियो में कमेंट आए, 3-4 लोगों ने पूछा है कि डायलिसिस के बारे में कि आप कैसे परहेज करते थे, क्या आपका क्या था। तो दोस्तों, वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो आज सिर्फ मैं टेक लेवल के बारे में बात करूंगा। अगर आप डायलिसिस पे हो तो दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप घबराएं ना। देखो, डायलिसिस पे आप अगर टाइम टू टाइम डायलिसिस करवाते हैं तो भी आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। आप टाइम टू टाइम डॉक्टर के कहने पे मेडिसिन लें, चेकअप करवाएं, और उनके जो वो भी आपको बताते हैं कि यार ये सब करो, तो वो सब आपको करना जरूरी है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपका कोई डोनर मिल जाता है तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ एकदम बहुत मतलब सेफ हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। अपने जैसे आप ट्रांसप्लांट डायलिसिस पे हो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसप्लांट पे आप सब कुछ कर सकते हो, सारा काम कर सकते हो, सब कुछ एक्टिविटी कर सकते हो, अपने परिवार के साथ रह सकते हो खुशी से। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप शादी भी कर सकते हो, शादी के बाद अगर बच्चे चाहते हो तो बच्चे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग गलत फहमी फैलाते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, डॉक्टर के अनुसार चलो और भगवान पे विश्वास करो, आपका कभी कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। तो दोस्तों, ये तो रही थोड़ी सी मेरी जो पीछे की कहानी, में बताता हूँ हर वीडियो में, मोटिवेट करता हूँ आप लोगों को। अगर आप ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं या डायलिसिस पे हैं या आपकी किडनी खराब हो चुकी है, आप दवाई ले रहे हो, तो आप घबराएं ना दोस्तों, जो हो चुका है वो हो चुका है। पॉजिटिव रह के एनर्जी पॉजिटिव लाओ और आगे बढ़ो। आगे मतलब हर चीज का समाधान है हिंदुस्तान में, क्या चीज नहीं है जिसका समाधान नहीं है, आप सोचो, हर चीज का समाधान है। तो दोस्तों, टेक लेवल के बारे में बात कर रहा था, तो मैं टेक लेवल के बारे में आज आपको बता दूं टेक लेवल टेस्ट क्यों होता है। और ये ट्रैक्लोलीमियस जो हम दवाई खाते हैं, सब खाते हैं टेक ट्रांसप्लांट के बाद, इसकी शरीर में मात्रा का मेन ये होता है कि जब हमारा ट्रांसप्लांट होता है तो हमारे शरीर में एक नई किडनी आती है, एक किसी और का पार्ट हमारे शरीर में आता है। तो हमारा शरीर क्या करता है, उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी तो नई जो भी ऑनर जो नई कोई भी ऑर्गन हमारे शरीर में आ रहा है, कोई अंग आ रहा है प्रत्यारोपण करके, वो हमारी बॉडी स्वीकार नहीं करेगी, उसे रिजेक्ट कर देगी। तो उस बॉडी हमारी उस पार्ट को रिजेक्ट ना करे, इसलिए हमें ट्रैक्लोलीमियस दवाई दी जाती है इम्यूनिटी पावर को कमजोर करने की। मैं बहुत सरल भाषा में आपको बता देता हूँ, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उसको कम करने के लिए ट्रैक्लोलीमियस की डोज दी जाती है। जो हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वो क्या करते हैं कि हमें कोई भी देखो कि बचपन में कहता हमें चोट वोट लगती थी, व्हाइट WBC हमारे चोट घाव को भर देते थे। अभी क्या होता है कि अभी हमारे शरीर में कोई नया पार्ट आया है, अभी क्या करेगा हमारा बॉडी, तो उसे रिजेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी, इसे हटा दो, इसे हटा दो।
तो जो हम दवाई खाते हैं टैक्रोलिमस, ये डॉक्टर कोई ऐसे आसानी भाषा में नहीं बताते हैं, क्योंकि मेरी डॉक्टर सर से बात होती है तो बताते बहुत सिंपल भाषा में, मैं भी समझता हूँ और लोगों को मैं सोचता हूँ सिंपल भाषा में समझाएं, क्योंकि आदमी सोचता है टैक्रोलिमस क्या है, टैक लेवल क्या है, टैक लेवल से सिंपल सी भाषा में कि जो हम दवाई खाते हैं वो हमारी दवाई हमारे शरीर में कितना काम कर रही है, उसकी कितनी हमें शरीर में मात्रा रखनी है, उस टैक लेवल के टेस्ट के बाद ही हमें पता चलता है कि हमें दवाई की कितनी डोज करनी है। क्योंकि ट्रांसप्लांट के स्टार्टिंग में ये टेस्ट हर हफ्ते में होता है, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, क्योंकि जब मैं मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था मुझे याद है कि मेरा टैक लेवल था 12, ट्रांसप्लांट के छठे या सातवें दिन ये रिपोर्ट मुझे बताया था कि आपका टैक लेवल इतना है, आपका टैक लेवल इतना है, क्योंकि डॉक्टर जब बात करते थे वो सुनता था कि इसका टैक लेवल इतना हो गया है, इसकी डोज इतनी करो, इतनी डोज करो, तो डोज अप डाउन होती थी मेरी दवाई की जो मुझे खिलाते थे। लेकिन जब मैं घर छूट के आ गया वहाँ से ट्रांसप्लांट के बाद घर पे आ गया, घर पे आने के बाद जब मैं 15 दिन के बाद डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर सर ने कहा था कि इनका टैक लेवल करवाओ। तो मैं सोचता टैक लेवल आखिर बार बार क्यों हो रहा है, माइंड में मेरे यही क्वेश्चन आता था। जब माइंड में मेरे ये क्वेश्चन आता था तो मुझे बाद में पता चला कि टैक लेवल होता है क्यों, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया, 4 साल से ऊपर हो गया ट्रांसप्लांट के, अब हमें पता चलेगा कि टैक लेवल क्यों कराया जाता है। टैक लेवल करवाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर आपका ट्रांसप्लांट हो गया है, आपको लगे कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ आ रहा है, दवाई कम काम कर रही है, कुछ भी करिए, टैक लेवल जरूर करवाएं दोस्तों। बहुत से लोग सोचते हैं टैक लेवल क्यों करवाएं, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्रिएटिनिन सही है और कोई शरीर में कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन दोस्तों जो टेस्ट है वो रेगुलर टेस्ट करवाने हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जो मेरा किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर ने जो मेरा टैक लेवल किया था उसकी क्या क्या रिपोर्ट आई थी, वो सब रिपोर्ट की मैं कॉपी आपको मैं इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। और दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आदमी का टैक लेवल क्या होना चाहिए। जैसे कि बताया गया है कि जीरो से, जैसे कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, 0 से 3 महीने के बीच में जो आपका टैक लेवल का रेंज होना चाहिए 10 से 12 के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो टैक लेवल जो रेंज होनी चाहिए 0 से 3, मतलब जिस दिन से ट्रांसप्लांट हुआ है 3 महीने के बीच में 10 से 12। तो इसी हिसाब से अगर आपका ट्रांसप्लांट को 4 से 12 महीने के बीच में अगर रिपोर्ट करवाने आप जा रहे हो तब आपका टैक लेवल की रेंज क्या रहनी चाहिए, तब आपकी टैक लेवल की रेंज की रिपोर्ट 8 से 10 रहनी चाहिए। और 10 एक साल हो गया आपको, अगर 1 साल से ऊपर आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है तो आपकी जो टैक लेवल की रिपोर्ट आएगी उसकी रेंज आनी चाहिए 6 से 15 के बीच में। तो समझ लो आपकी किडनी सही काम कर रही है, आपकी जो दवाई चल रही है वो डोज सही चल रही है। अगर इस टैक लेवल की रिपोर्ट कुछ ऊपर नीचे आती है तब उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। उस केस में क्या होता है, या तो आपकी टैक्रोलिमस की डोज बढ़ाई जाएगी या कम की जाएगी, दो ही चीजें होती हैं। अगर आपके टैक लेवल की रिपोर्ट सही नहीं आ रही तो आपकी टैक्रोलिमस की डोज बढ़ाई या कम की जाएगी, ये सब चीज आपके आपके नेफ्रो जो आपके डॉक्टर हैं उनकी एडवाइस से किया जाएगा। आप अपने मन मुताबिक कभी ना कर लें कि चलो यार ये रिपोर्ट आ गई है, लास्ट टाइम ऐसे किया था डॉक्टर ने, आज टाइम मैं ही कर लेता हूँ, ऐसा मत करना दोस्तों। डॉक्टर जो आपको कहें उसके अकॉर्डिंग ही आप दवाई लीजिए, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए हो जाती है दवाई। दवाई की डोज हम टाइम पे लें, डॉक्टर के कहने पे लें, टाइम टू टाइम लें। बहुत से लोग कहते हैं यार खाना खा लिया अभी दवाई लेनी चाहिए खाना खाने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप खाली पेट हो कुछ भी हो लेकिन टाइम अपनी टाइम टू टाइम लें। 9 बजे डॉक्टर ने बोला है तो 9 बजे दवाई लें, 10 बजे बोला है तो 10 बजे, सुबह 9 बजे तो शाम को 9 बजे, सुबह 10 बजे तो रात के 10 बजे, ये टाइमिंग आपके लिए लाइफ भर चलने वाली है और लाइफ भर आप इसका पालन कीजिए दोस्तों। कभी मिस मत करना दोस्तों, डोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, हमारे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ में। क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, इसीलिए मैं अपना सारा अनुभव आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ और आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें भी आपको सारा अनुभव शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको टैक लेवल के बारे में बताया कि टैक लेवल टेस्ट क्यों करवाया जाता है, बार बार ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है, इस टेस्ट के हमें क्या बेनिफिट है, इससे हमें क्या पता चलता है। सिंपल सी भाषा मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारे शरीर में जब भी कोई नया पार्ट आता है हमारी जो डब्ल्यू वी सी सेल होते हैं वो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं हमारी बॉडी, और ये टैक्रोलिमस जो हमारी दवाई चलती है टैक लेवल को शॉर्ट टैक्रोलिमस का शॉर्ट फॉर्म टैक लेवल होता है, जिसको टैक कहते हैं, टैक्रोलिमस वो दवाई हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करती है, इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा वीक करती है ताकि जो हमारा ऑर्गेन है वो सही से काम कर सके और लाइफ टाइम तक हमारी दवाई चलती है दोस्तों। सिंपल सी बात है, 2 लाइन में आपको मैंने क्लियर कर दिया टैक लेवल का टेस्ट क्यों होता है, क्या रेंज रहनी चाहिए और क्यों करवाया जाता है। तो दोस्तों
आज की वीडियो बस मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना जो टेक लेवल के बारे में हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि मेरा ये रिपोर्ट है, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर